हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, बात करेंगे लोग पठान की अनाउंसमेंट की, बात करेंगे लोग ये आर्यन खान के केस के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, चैनल पर नए बैठ के और सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आपको पता है कि 27 सितंबर के बाद हम लोग को लास्ट उम्मीद थी इस साल की कि बर्थडे पे अनाउंस होगी मूवी, ठीक है, SRK के बर्थडे पे मूवी की अनाउंसमेंट होगी। लेकिन किस्मत ख़राब था भाई, कहते हैं ना कि किस्मत ख़राब हो तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ये बहुत पुराना डायलॉग है भाई, ये बहुत पुरानी कहावत है और ये सही भी है। मेरे साथ भी काफ़ी बार होता ही है। और बता दे, SRK का भी किस्मत इसी तरीके से ख़राब है। एक तो भाई मूवी नहीं कर रहा था, मूवी करी तो दो दो मूवी की शूटिंग स्टार्ट की है। और बता दे कि मूवी की अनाउंसमेंट नहीं हो रही थी, और अनाउंसमेंट का जब देर सामने आने लगा तो आर्यन खान के ऊपर केस हो गए ड्रग्स के लेकर, और उनकी बेल नहीं हो पा रही है। ये भी बात है, बेल नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं मूवी की जो अनाउंसमेंट थी वो डिले हो सकता है। अगर 20 तारीख को आर्यन को बेल नहीं मिली तो मुझे लगता है डेफिनेटली अनाउंसमेंट नहीं होगी। अगर 20 तारीख को हो भी जाता है, क्या कहते हैं, बेल मिल जाती है अगर आर्यन खान को, तो YRAP के अंडर में ये फिल्म है, तो YRAP अनाउंस कर सकती है किंग खान के बर्थडे पे, या टीजर वगैरह आ सकती है। लेकिन लेकिन भाई चांसेस कम है। तो भाई मूवी का अनाउंसमेंट हो ना हो, लेकिन 20 तारीख को कम से कम बेल मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या अपडेट आती है। तो क्या वो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तब तक के लिए भाई भाई प्लीज़ यार सपोर्ट करो इस चैनल को। आपका भाई भी बहुत बार फेलियर देख चुका है, मतलब भाई इतना फेलियर देख चुका है इतने कम उम्र में कि क्या बोलो यार। चाहे वो सब्सक्राइब करो भाई, प्लीज़ सपोर्ट करो, तब तक के लिए बाय।